कटाह संभ्रम भ्रमिलिंप निर्चरी विलोल बीच। जो दलिदर तालाब है बहुत ही सौंदर्य और सुरक्षित तालाब है ये बीकानेर का। किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण और वोट और घंटों का दौर शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देखिए कौन है वो कहां से वो आया। यूट्यूब चैनल पूछ रहे बच्चा आदित्य व्यास व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदित्य व्यास व्लॉग्स पर। आज मैं आया हूँ बीकानेर की एक ऐसी जगह जहाँ पर अभी सावन में लोग आनंद ले रहे हैं, नहाने का आनंद ले रहे हैं। बीकानेर का ये धरणीधर महादेव मंदिर है, उसी के परकोटे में ये तालाब बना हुआ है। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। शहरी परकोटे के सभी लोग यहाँ पे एकजुट होकर यहाँ पे स्नान नहाने का आनंद ले रहे हैं। देखिए बहुत ही शानदार, यहाँ देखिए ऊपर से लोग जो है वो ऊपर से घंटे लगा रहे हैं। और ये जो सावन का महीना है ये गोठ और घंटों का महीना है। बीकानेर में गोठ और घंटों के बिना सावन का महीना नहीं हो सकता। तो ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। और पिछले जैसे कोरोना के टाइम थोड़ा यहाँ पिछले जैसे आपने देखा था कोरोना के समय भीड़ होना मना था, तो उसके बाद में जो रुझान आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। और जैसा कि आप मौसम देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे धूप है नहीं तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है और नहाने का आनंद बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो उसी के चलते बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है और बहुत ही मज़ा ले रहे हैं शहरवासी। यही चीज़ आपको दिखाने के लिए आगे चलते हैं और देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और सभी प्रेम भाईचारे से रहते हैं शहरी परकोटे के लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा मौसम है और झिरमिर बारिश भी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। तो अब बात करेंगे यहाँ के दुर्गा शंकर जी आचार्य जी से और जानेंगे तालाब के बारे में कि ये तालाब में जो इतना चमन हो रखा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग आ रहे हैं और अभी इन दिनों तो सावन में गोठ और घंटों का जो आनंद है वो यहाँ पे लिया जा रहा है। तो बात करते हैं दुर्गा शंकर जी से। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ इस परिसर में। ये जो तालाब आप देख रहे हैं पश्चिमी राजस्थान का एक ऐसा नया तालाब पहला है जो पश्चिमी राजस्थान में पहला तालाब बना है। सबसे पहली बात तो है शहर के अंदर जैसे हंसोड़ाव संसोड़ाव ये काफ़ी तालाब पहले थे, लेकिन उनकी आगोर जो है वो कब्जे हो गई, सरकार कुछ नहीं कर सकी। हमारे यहाँ भी एक तालाब था जो खनन की भेंट चढ़ चुका था, लेकिन हमारे जो धरणीधर ट्रस्ट के जो मेन संरक्षक है रामकिशन जी आचार्य, उन्होंने एक संकल्प लिया कि एक नया तालाब फिर से महादेव परिसर में बनाएंगे। तो उन्होंने एक नया तालाब बनाया है। अब आप जो देख रहे हैं नए तालाब में एक घंटे बारिश में करीबन 20-25 फुट पानी आता है। आगोर सुरक्षित है, आज तक तो सुरक्षित है, आगे भी इसको सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। हमारा निवेदन शहरवासियों से है कि सावन के महीने में महिलाएं, बच्चे, पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा पिकनिक स्थान को इसी को चूज़ करें। क्यों हम शहर से बाहर जाएँ? शहर से बाहर जाएंगे एक्सीडेंट होगा, रोडें जाम होगी, ये अपना घर का स्थान है। पूरे शहर से, पूरे परिसर में, पूरे बीकानेर शहर के छोटी काशी से मैं निवेदन करता हूँ कि इसी जगह आए, पिकनिक मनाएं और सावन का आनंद लें। बिल्कुल, जैसे हम दूसरे पार्क वगैरह जाते हैं बाहर तो पैसा भी बहुत लगता है और फैमिली जाती है तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। ये यहाँ पे आनंद है महादेव की, ये जो परकोटा है पूरा महादेव के नाम पर है और यहाँ पे बहुत ही आनंद ले सकते हैं आप। कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है और आनंद ही आनंद है। इसके बारे में कुछ कहेंगे? यहाँ परम आनंद है क्योंकि शिव नगरी है छोटी काशी ये शहर, और ये पूरा शिवमय हो चुका है अभी और पूरे सावन ये शिवमय रहेगा और पवित्र स्थान है। यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने, बीकानेर के साधु संतों ने यहाँ बहुत माला फेरी है, तपस्या की है, इसलिए इस जगह का कोई मुकाबला ही नहीं है। और इस जगह नहीं, पूरे बीकानेर में जो भी बगीचे अपनी है वो सारी तपस्वी जगह हैं। तो ये जो कल्चर जो अभी चल रहा है स्विमिंग पूल में नहाने का, इस कल्चर को हमें छोड़ के और तालाबों के कल्चर में आना होगा ताकि हम तैराक बन सकें। मेंढक तालाब के मेंढक नहीं बने, स्विमिंग पूल में तैरना एक मेंढक के बराबर है। हम बड़े बड़े तालाबों में तैरें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी तैराक बन सके और अच्छा शारीरिक उत्थान हो सके। घर के जो लोग हैं जिनके तैरना आता है घर में ही, वो यहाँ पे अपने बच्चों को लाके यहाँ पे छोटे बच्चों को तैरना सिखा सकते हैं और कोई बिल्कुल सेफ्टी होगी। नहीं तो बाहर जहाँ भी हम स्विमिंग पूल में जाएं वहाँ सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखता, परिवार वाले साथ में हैं तो उसके साथ में ज़्यादा उचित रहता है। एक बात और है कि यहाँ जो भी लोग पिकनिक मना रहते हैं उनके लिए बर्तन दरी वरी सब हमारी तरफ से निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। अगर आप बड़ा कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो सावन के महीने में भवन भी
इसका कोई शुल्क नहीं है, सावन के महीने भी फ्री है। आप मर्जियाँ जैसे पार्टी कीजिए, पिकनिक कीजिए, सावन का मास का महीने का आनंद लीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय शंकर, हर हर महादेव। जय शंकर। मेरे साथ है शरद जी जोशी, इनसे बात करते हैं मंदिर के बारे में और तालाब के बारे में। बताइए, ये जो धनीदा तालाब है बहुत ही सौंदर्य और सुरक्षित तालाब है ये बीकानेर का, और इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले सरपंच साहब का, उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दुर्गा शंकर जी आचार्य, टंडुका का महालचंद जी और भी हमारे जो अन्य साथी हैं उनका मैं सब दिल से तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए तालाब की सौंदर्य को देखिए आप, सबसे सुरक्षित और सौंदर्य है यहाँ पे, और आपको यहाँ आने पे बहुत ही इसकी जो सतह है बहुत ही निराली है, आप इसको देख के बड़े ही मनवांछित देख सकते हैं। आप देखिए इसको, आप एक बार मेरे कहने से आप इनका कवरेज कीजिए, घंटों का आनंद। ये बीकानेर शहर है, बहुत ही अलमत शहर है ये, इसकी इसके बारे में कुछ बोलना भी मेरे साथ है बीकानेर के प्रसिद्ध गायक जिनकी कोई पहचान के मोहताज नहीं है, लाल चंद जी उपाध्याय। ये यहाँ पे रोज़ आते हैं, महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और नहाने का भी आनंद लेते हैं। इनसे जानते हैं इस तालाब के बारे में कि ये कितना अच्छा तालाब है और लोग इतनी भीड़ हो रखी है, क्या विशेषता है? देखिए इसकी सबसे अच्छी विशेषता तो ये है जो आप खुद देख रहे हो यहाँ पे कि इतनी पब्लिक आ रही है, शहर से आ रही है, शहर से बाहर से आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये शहर के बीच का एक सौंदर्य है, जो धनीदर जो जगह है वो सौंदर्य और सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के जो व्यवस्थापक है वो हर वक्त यहाँ पे तैनात रहते हैं, हर समस्या को देखते हैं, जैसे कि तनुका का और इनके और भी साथी हैं, मैं उन सबको जानता हूँ। और यहाँ पे लोग इसलिए आ रहे हैं कि ये तालाब नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे घर का एक मैदान हो, और यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है। और मैं भी बड़े बड़े तालाबों का शौकी था, लेकिन आजकल मैं धरणीधर आता हूँ क्योंकि यहाँ के सौंदर्य के कारण से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद। श्रावण मास के शुरू होते ही आज चौथा दिन है और कल सावन का पहला सोमवार है और घोट और घंटों का दौर शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देखिए यहाँ पे घंटे लगा रहे हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक यहाँ पे ऊपर चढ़ के घंटे लगा रहे हैं। बीकानेर का ये एक अलग आनंद है और ये शौकीनों का शहर है, अलमत शहर है मज़े लेने के लिए। देखिए फुल, ये देखिए घंटों का दौर, ये बहुत ही शानदार चल रहा है। और बच्चे देखिए, छोटे बच्चे जो चढ़ रहे हैं, देखिए ऊपर छोटे बच्चे चढ़ रहे हैं, ये देखिए, और छोटे बच्चे ऊपर जाके अभी ऊपर से घंटे लगाएंगे और बहुत ही हिम्मत भरा काम होता है। और देखिए बच्चे भी यहाँ पे बीकानेर के बच्चे हैं जो पीछे नहीं हटते इस काम से, ये यहाँ के बीकानेर की एक अलग चीज़ है। और देखिए आप बच्चे जो हैं वो आनंद ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये देखिए बच्चे यहाँ पे। हेलो, बीकानेर के बारे में क्या बोलेंगे? बोल बोल बोल। तालाब में नहाना है क्या? नहीं। तालाब में नहाना है? नहीं। नहीं नहाना? नहीं। बारिश में नहाना है? नहीं। क्या देखने में मजा आता है? देखने में मजा आता है। अच्छा, देखने में मजा आता है। देखिए बहुत अच्छे, और देखिए यहाँ पे घंटों का दौर, और ये और यहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों अच्छे से आनंद ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विमिंग पूल में अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे सभी समान रूप से पुरुष और महिलाएं आनंद ले रहे हैं सावन महीने का। और देखिए घंटों का दौर और लोग आराम से नहा रहे हैं, नहाने के बाद में यहाँ पे टिफ़िन वगैरह लाके खुद ही घर से जो बना के लाते हैं वही खाएंगे और आनंद लेंगे। यही है बीकानेर की ये एक खासियत है, और प्रेम भाव से भाईचारे से लोग रहते हैं, आमोद प्रमोद का माहौल रहता है। बीकानेर के लोग बहुत ही शौकीन लोग हैं और ये जो आनंद का जो मौका है वो छोड़ते नहीं है, ये एक खास बात है बीकानेर के लोगों में। देखिए बच्चे, देखिए। हेलो, हर हर महादेव, क्या बात है। ये देखिए, वो देखिए छोटा सा बच्चा, देखिए ये अभी घंटा लगाने वाला है और बहुत ही हिम्मत भरा काम है ये, आपको यहीं देखने को मिलेगा बीकानेर में और कहीं नहीं मिलेगा। YouTube चैनल पूछ रहा है बच्चा, आदित्य व्यास व्लॉग्स।
हाँ ये डाल दे यूट्यूब, ये कल हो जाएगा। देखिए बच्चे चैनल का नाम पूछ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बच्चों का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। कोई डर नहीं है, बिल्कुल हिम्मत से अंदर जा रही है बच्ची। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से, और बीकानेर के जो लोग हैं वो एकदम हिम्मत रखते हैं, डरते नहीं हैं। ये देखिए पानी, गोट और घंटों का आनंद कोई बच्चा नहीं छोड़ता, कोई बड़ा नहीं छोड़ता। बहुत ही शानदार नज़ारा। कल सावन का पहला सोमवार है और आज इतनी भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मज़ा आ रहा है। और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, तो महादेव का आशीर्वाद है जो ऊपर से, मतलब महादेव का आशीर्वाद मिल रहा है इनको, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे तो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप भी देखिए शानदार तरीके से मिलजुल कर आनंद ले रहे हैं सभी शहरवासी। ऊपर देखिए व्यू, ये जो ऊपर का व्यू है छतरी के पास, शानदार। बच्चे बूढ़े सब आनंद ले रहे हैं, बुजुर्ग भी कहीं पीछे नहीं है। सबकी अपनी अपनी आनंद लेने का तरीका है। ये देखिए बच्चे अपना हाव जो है वो तालाब में अपना जो तैरने का जो कला है वो सीखते हैं धीरे धीरे। देखिए ये सीखने का प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पे, ये धीरे धीरे तैरना सीख रहा है बच्चा, और जब इस तालाब में तैर लेगा तो ये फिर जीवन में कभी भी इसको समस्या नहीं आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। सावन में इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर।